क्रॉस 15 को लेकर तगड़ा बस देखा जा रहा है। शो के लिए कई स्टार्स के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं, लेकिन जब से एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश की झलक शो के प्रोमो में ऑडियंस ने देखी है, तभी से हर जगह एक बार फिर से तेजू का नाम ही छाया हुआ है। तेजस्वी की पहले ही झलक ने उन्हें अभी से शो के बाकी स्टार से ज्यादा लाइमलाइट मिला दिया है। तेजू को लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से वैसा ही बज और क्रेज बन चुका है जैसे कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के वक्त तेजू को लेकर देखा गया था। यह अगर आपको याद हो तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के वक्त जिस तरह से तेजू ने शो में परफॉर्म किया था, जिस तरह से ऑडियंस को तेजू ने एंटरटेन किया और टास्क में दूसरे कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ी थी, उससे सभी को ऐसा ही लग रहा था कि तेजस्वी ही शो की टाइटल जीतेंगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक टास्क में परफॉर्म करने के दौरान तेजस्वी की आंख पर चोट लग गई, जिसकी वजह से तेजू को एन मौके पर शो से बाहर होना पड़ा था और तेजू के साथ साथ फैंस का सपना भी टूट चुका था। लेकिन अब लगता है कि तेजू की किस्मत बिग बॉस 15 में खुलने वाली है और जो कमाल वो उस वक्त ना कर पाई अब वो करके ही दिखाएंगी। जी हाँ, अब जब बिग बॉस का सफर शुरू होगा तो अगले 60 दिनों में पूरा देश तेजू का टैलेंट, उनका स्टाइल, परफॉर्मेंस, तेजू की पर्सनैलिटी, उनका स्वैग खुलकर देखेगा। वेल, तेजू के लिए ये ऐसा वक्त होगा जब पूरा देश उनके टैलेंट से रूबरू होगा, जिसमें तेजू को पहले से ही महारत हासिल है। तेजू को खतरों के खिलाड़ी से ही रियलिटी शो का अच्छा अनुभव हो चुका है। तेजू खतरों के खिलाड़ी से जनता को पहले ही काफी इम्प्रेस भी कर चुकी थी। ऐसे में सलमान खान से जब तेजू रूबरू होंगी तो एक बार फिर से जाहिर तौर पर वैसा ही क्रेज फिर से देखने को मिलेगा। और जब एक बार फिर से बिग बॉस जैसे बड़े मंच पर तेजू परफॉर्म करेंगी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगले 2 महीनों में ही तेजू बड़ी स्टार बन सकते हैं और सभी कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी शो के प्रोमो में तेजू की छोटी सी ही झलक देखने को मिली और जबरदस्त क्रेज अभी से ही देखा जा रहा है। ऐसे में तेजू के फैंस ये जरूर बताएं कि वो तेजू को शो में और क्या क्या करते देखना चाहते हैं, और हाँ ये भी कि तेजू शो में ऐसी कौन सी गलती ना करे जिससे वो बिग बॉस के घर में किसी मुसीबत में पड़ जाए। शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में।